अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम बेटा। हाँ जी, कैसे आप सब लोग? अलहम्दुलिल्लाह मैम। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन था? मैं इसलिए वेट कर रही थी थोड़ा सा, ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं, फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैम, मेरा ना सेक्शन बी है पोर्टल के ऊपर, और ना LMS के ऊपर सेक्शन सी से एनरोल हुआ है मेरा। तो मेरा बेटा बल्कि अगर अभी आपका रिसेंट मेरा अभी रिसेंटली मैम का नाम ने चेंज किया, क्योंकि इस टाइम मेरी Patho 2 की क्लास हो रही होती है, लेकिन LMS पे चेंज नहीं हुआ, तो मेरे पास लिंक भी नहीं है क्लास का। नहीं, आपका पोर्टल पे चेंज हो गया, LMS पे चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, LMS पे चेंज करना है ठीक है, सेक्शन सी आज के मैं आप अंदर। लोगों की लिस्ट जो है ना अपडेट करूंगी। ठीक है, आप सबके लिए ये मैसेज है कि मैं आप जिनका ये इशू है, तो आज मैं आप लोगों की लिस्ट जो है अपडेट करूंगी। तो आज के बाद अगर आप लोगों का ये इशू आया कि जी हमारा डिफरेंट शो हो रहा है पोर्टल पे और LMS पे, तो फिर आप लोग मुझे ईमेल करके बताना, ठीक है, कि उनका इशू रिजॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम लोग आ जाएं, फिर अगर किसी का इशू है कोई और तो वो पूछ ले, नहीं तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मॉम नहीं, बाज आओ, क्या कर रही हो?
हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? हम ठीक है मैम, आपके ठीक रमजान कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम, आपका कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप सब एंड वाले डेज हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं इन डेज को। मैं कोई भी असेसमेंट, मैंने पहले असाइनमेंट ऐड करनी थी आपकी इस वीक में, लेकिन अब मैंने इस वजह से नहीं ऐड करी कि ये 10 डेज रह गए हैं, आप सब लोग अपनी इबादत जो है मैक्सिमम तरह से करें ताकि मेरी वजह से कोई जी हमें कोई असेसमेंट मिली हुई है। तो इंशाल्लाह जो है ईद के बाद जो है मैं आप लोगों के असेसमेंट्स जो है वो आपकी स्टार्ट करूंगी प्रॉपर, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। मैम अगर किसी ने इंतकाफ में बैठना हो तो उसके लिए क्या होगा, मतलब वो अटेंडेंस कैसे लगवाएगा? वो वो तो आप, एग्जीबिशन वो तो कल था वैसे। नहीं मैम, आएगा जो जी ट्वेंटी वन ट्वेंटी क्या 21, वन ट्वेंटी 20 को मैम बैठते नहीं हैं, 20 को बैठते हैं मैम, बेटा, 21 को असर के बाद बैठते हैं, 20 को बैठते हैं बैठते असर के हैं बाद। असर के बाद। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है? मैनुअल थेरेपी के ग्रुप में बच्चे पूछ रहे थे ना, तो इसलिए जो है नहीं ना नहीं मैंने सोचा। 20 को बैठते हैं बेटा, 20 को असर के बाद जो है बैठते हैं, या फिर 3 दिन का इतकाफ कर सकते हैं, वो उसमें 26 जो है 26 को असर के बाद बैठते हैं, तो तब तक वैसे आई थिंक सो छुट्टियां हो जाएंगी। तो अब अगर किसी ने इतकाफ पे बैठना था तो उसने वो ईमेल कर सकता था, ठीक है, उसमें उसको छुट्टियां मिल जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन अभी तो वो कल बैठना था, आज नहीं। 22nd से मिड पे स्टार्ट हो रहे हैं, 22nd क्या? 22nd से मेरे मतलब जो है ना मई समिट स्टार्ट हो रहे हैं। सर ने है ना आज मैनुअल थेरेपी की क्लास में बोला है कि जो है ना 22nd से आप लोगों के मिट स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चे 20 मिड्स हैं आप लोग इस दफा, ठीक है, और आप लोगों के असेसमेंट जो है ऑब्वियसली अब साथ साथ सारी कवर होती जाएंगी, तो आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों के जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाएंगे वो उनकी असेसमेंट होनी है, तो आपका मिड जो है वो मई में जो है वो है इंशाल्लाह। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसको प्रॉपरली साथ साथ कवर करते जाओ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। लास्ट टाइम आप लोगों के मिड्स नहीं थे, लेकिन इस दफा आप लोगों के मिड्स होंगे। 20% मिनिमम जो है, मिनिमम 20% जो है वो आपके मिड्स की वेटेज होगी, और 25% तक हो सकती मैक्सिमम। मेरे तो ऑनलाइन ही होंगे ना, अभी तो जो है हालात वो ऑनलाइन के ही है, ऑनलाइन ही होगा आपके एलएमएस के अकॉर्डिंग जो है, जैसे पहले लास्ट टाइम एलएमएस के अकॉर्डिंग स्कोर की बेस पे जो है आपके एग्जाम्स हुए थे, अब भी जो है एलएमएस यूज करके जो है वो आपको होगा सारी असेसमेंट्स। थैंक यू मैम। आप लोगों की जो वेटेज है मैं आप लोगों को वेटेज भी बता देती हूँ, ठीक है, कि किस किस तरह से है आपका असेसमेंट प्लान क्या है, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों का 20% तो मिड है, ठीक है, इसके बाद जो फाइनल का 60% है ना, फाइनल में जो है 20% आपका वाइपा होगा और 40% जो आपका रिटन एग्जाम होगा। सेशनल्स में से जो है 20% मिड हो गए, और जो बाकी 20% है उसमें एक क्विज होगा, ठीक है, और एक जो है आप लोगों की असाइनमेंट होगी, और 5% जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लास्ट लेक्चर पढ़ा था आप लोगों ने, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? अगर भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। आप लोग सब सो रहे हो उठे हुए हो?
मैम उठे भी हैं? नहीं नहीं उठे। अच्छा बाकी सब लोग 73 में से दो लोग बोले उठे हुए हैं मैम। मैम उठे हुए हैं। मैम उठे हुए हैं मैम। ओके सवालों चार लाख ही चलेंगे। नौ एम नौ एम बच्चों आप लोग अपना माइक ऑफ करो। एक ही वाले लास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज हमारा जो स्ट्रक्चर जो है टॉपिक है इट्स अबाउट द जीन स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था इट्स अबाउट द आरएनए स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ आरएनए और उनका जो है डिफरेंट फंक्शन जो है डिफरेंट टाइप्स है उनके बारे में पढ़ा था। आज हमने जो पढ़ना है इट्स अबाउट द जीन स्ट्रक्चर। ठीक है जीन आपको सब आप सबको पता होगा। हाँ जी क्या होती है जीन? हाँ जी बच्चों जीन्स जीन क्या होती है? मैम इट इज मेड अप ऑफ डीएनए इट्स अ इट कंटेन्स ऑफ डीएनए। और हेरिडिटी मटेरियल होता है। यस यस मैम बेसिकली इट्स द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है डीएनए के अंदर जो है सारी जीन्स जो मिलके जो है वो डीएनए बनाती है। ठीक है तो बेसिकली इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम हर जीन जो है एक दूसरे से वेरिएबल होती है ऑब्वियसली उनका साइज उनका स्ट्रक्चर जो है वो वेरिएबल होता है लेकिन कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। बेसिक स्ट्रक्चर के मतलब उसमें जो है उसका प्रॉपर प्रोमोटर रीजन होता है उसका जो है उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उसके बाद उसमें जो एंड के टर्मिनेटर रीजन होते हैं। तो आज हम उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जीन का उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली जीनोम। जीनोम हमने पढ़ा था लास्ट टाइम क्या होता है जीनोम? हाँ जी क्या होता है जीनोम? हम कंप्लीट जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी इंडिविजुअल का। जी कंप्लीट इट कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक्स। जी कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जी कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स जो है एक ह्यूमन में या एक इंडिविजुअल में उसको कलेक्टिवली जो है हम जीनोम कहते हैं। ठीक है तो इस जीनोम से जितने भी आगे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए की कॉपीज में। डीएनए की कॉपीज नहीं डीएनए से बेसिकली जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको डीएनए से आरएनए की प्रोडक्शन होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। जी जी तो ये जो टोटल सेट ऑफ जितने भी मैसेंजर आरएनए बनते हैं फुल जीनोम से उसको ट्रांसक्रिप्टोम कहते हैं। ठीक है इसी तरह से प्रोटियोम आगे जो है मैसेंजर आरएनए से जितनी भी प्रोटीन्स बनती हैं सेट ऑफ टोटल प्रोटीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल बाय द जीनोम ऑफ दैट इंडिविजुअल इज नोन एज प्रोटियोम। जीन बेसिकली इज अ बेसिक physical and functional unit of inheritance specific sequence of dna bases that encode instructions on how to make proteins। theek hai basically genes mein wo sari information hoti hai na ki jo hai hamari kaun si protein us gene se banni hai aur kaun si nahi banegi aur uska sequence kya hoga amino acid sequence kya hoga। इसके अलावा जो है eukaryotes mein gene has their coding sequence exons ye humne last lecture mein padha tha कि जी हमारे जब हेटरोजीनियस मैसेंजर आरएनए बनता है फ्रॉम द डीएनए
जो उसमें एग्जॉन्स रीजन भी होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, और इसके अलावा इंट्रॉन्स रीजन भी होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं। आगे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के जीन स्ट्रक्चर जो वेरिएबल है, हाँ जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, उनमें बैक्टीरियाज होते हैं, मींस के बैक्टीरिया होता है उसमें ऑर्गेनिज्म, उसमें सेल का साइज भी स्मॉल होता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाइज भी नहीं होते, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सॉरी ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, और डीएनए मटेरियल जो है ना वो एक पर्टिकुलरली मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, ओपनली जो है ना साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेलम और इस तरह के एक्स्ट्रा पिलाए वगैरह इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जो हैं वो वेरिएबल होते हैं। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है बिफोर, और कैरियोट्स का मतलब होता है बेसिकली न्यूक्लियस। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनमें न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड भी नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होती इसके सेल में, और जो है इसमें न्यूक्लियर जो है मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और वो साइटोप्लाज्म में वैसे ही पड़ा होता है। सो प्रोकैरियोट्स क्योंकि सिंपलर है और यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इनका जीन सीक्वेंस जो है वो, जीन स्ट्रक्चर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स है, और प्रोकैरियोट्स में जो है सिंपल जीन स्ट्रक्चर है। तो प्रोकैरियोट्स में जो है सिंपल जीन स्ट्रक्चर है, स्मॉल जीनोम होता है इनका 0.5 to 10 million बेस पे। इसके अलावा इसमें जो है कोडिंग रीजन होता है, प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं, टर्मिनल रीजन फॉर टर्मिनेटर्स होते हैं ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली सिंपलर जीन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो कोडिंग रीजन कौन सा होता है? जो कि जिसमें कोडिंग सीक्वेंस होता है जो कि प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। कोडिंग सीक्वेंस के हमेशा जो स्टार्टिंग में जो है प्रमोटर रीजन होता है, उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस होता है, और उसके बाद जो है टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन जो है उसमें डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं ठीक है, और ये प्रमोटर रीजन जो बेसिकली जो है रिकग्निशन जीन, हर जीन की रिकग्निशन जो है वो कराती है, और रिकग्नाइज हो के एक जीन जो है वो फिर आगे मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होती है ठीक है। और फिर हर जीन के जो एंड पे जो है जब वो खत्म हो जाती है तो उसका टर्मिनेटर रीजन होता है। टर्मिनेटर से क्या मतलब होता है कि वो यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगी और वो जीन जो है कंप्लीट हो गया उसका सीक्वेंस। इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूकैरियोट के जीन्स में जो है एग्जॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये जो प्रोकैरियोट्स है इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते ठीक है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में वही दिखाया गया है कि प्रमोटर रीजन होता है, ट्रांसलेटेड सीक्वेंस होता है, और इनहेंसर या टर्मिनेटर रीजन ठीक है। प्रमोटर रीजन में इसके अलावा हम उसको 5-UTR जो है या अनट्रांसक्राइब्ड रिलेशन रीजन कहते हैं, और 3N पे जो है 3N अनट्रांसक्राइब्ड रीजन होता है। ये दोनों रिमूव किए जाते हैं और ये जो है वो स्टेंड हो जाती है, इसकी कोडिंग सीक्वेंस इसके दरम्यान में होता है। नीचे भी वही बात है कि जी कोडिंग सीक्वेंस होता है सेंटर में, उसके साथ उसका प्रमोटर रीजन होता है, और एक साइड पे जो है टर्मिनेटर रीजन होता है। और कोडिंग सीक्वेंस जो है बेसिकली वो चेंज होता है इनटू द प्रोटीन। जो प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन होते हैं ना वो ट्रांसक्राइब नहीं होते इनटू द प्रोटीन, वो हेल्प कराते हैं बेसिकली जीन की रिकग्निशन में और जीन की टर्मिनेशन। प्रमोटर एलिमेंट्स, जो प्रमोटर रीजन होते हैं उसमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स होते हैं ठीक है। द अपस्ट्रीम एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कोडिंग रीजन इंक्लूड प्रमोटर सीक्वेंस ठीक है। जो जहाँ पे स्टार्ट होता है जिस साइड पे उसको अपस्ट्रीम रीजन कहते हैं ठीक है। और कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्ट्स पे प्रमोटर एलिमेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। 50 to 100 nucleotides अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट कोडोन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट आर स्टार्ट्स साइड जो है कर सकती है। एनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट इज डिनोटेड बाय माइनस सिंबल एंड द रीजन इज कॉल्ड अपस्ट्रीम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल -10 -20 -35 इट्स स्टार्ट साइट इज सिंबलाइज्ड बाय +1।
any sequence to the right of the start is downstream elements and numbered as plus 10 plus 35 yeah ke jo hai so on ठीक है. प्रमोटर एलिमेंट में दो जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं ठीक है, जिनको हम प्रेबनो बॉक्स भी कहते हैं ठीक है. ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं टी ए टी ए ए टी थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन एडेनिन एंड थायमिन. एंड इसके अलावा -35 रीजन पे जो है टी टी जी ए सी ए रीजन होता है ठीक है. तो ये स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस होते हैं और ये जो है एज ए प्रमोटर एलिमेंट सेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है. ये जो दोनों बॉक्सेस हैं जैसे ये पिक्चर में शो किया गया कि अनस्टैंड पे ये वाला सीक्वेंस होते हैं टी ए टी ए ए टी और -35 रीजन जो है उसमें सीक्वेंस सेकंड सीक्वेंस होता है. तो ये जो दोनों बॉक्सेस हैं ये बेसिकली एज ए प्रमोटर एरिया या प्रमोटर एलिमेंट सेट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो यहाँ पे आके अटैच होके इसको जीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. मैम ये प्रेबनो बॉक्स क्या होता है? बेटा ये जो बॉक्सेस है ना ये दोनों जो -10 और -35 रीजन जो किए गए हैं और ये जो सीक्वेंस है इनको हम प्रेबनो बॉक्स कहते हैं. ओके मैम. और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं और ये एज ए प्रमोटर भी एक्ट करते हैं. ओके मैम. एट -65 टू -60 एक्टिवेटर एलिमेंट्स होते हैं. एक्टिवेशन ऑफ द पॉलीमरेज ये भी प्रमोटर रीजन का पार्ट होते हैं एक्टिवेटर एलिमेंट्स ठीक है. और जो कलेक्टिवली एक्ट करते हैं इस एक्टिवेटर एलिमेंट्स का फंक्शन क्या होता है कि इस साइड पे क्योंकि डीएनए कब मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है जब वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच होते हैं और वो एक्टिवेट होता है. तो ये एक्टिवेटर एलिमेंट्स जो है ये डीएनए पॉलीमरेज को जो है एक्टिवेट कराने का हेल्प करते हैं. एट -200 एंड 1000 एनहांसर सीक्वेंस होते हैं ये भी प्रमोटर रीजन का पार्ट होते हैं. एनहांसर आपको पता है कि किसी भी चीज के इफेक्ट को बढ़ा देता है तो इस तरह से ये भी जो इसमें एनहांसर सीक्वेंस है वो भी एनहांस करता है ट्रांसक्रिप्शन को. टर्मिनल रीजन ये वो तो स्टार्टिंग वाला प्रमोटर रीजन था उसके हर जीन के एंड पे जो है टर्मिनल रीजन हो गया. टर्मिनल मतलब टर्मिनेशन वहां पे जो है एक जीन खत्म हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट जीन जो है स्टार्ट हो जाती है. इसलिए वहां पे जो है उस जीन की ट्रांसक्रिप्शन जो है स्टॉप हो जाती है टर्मिनल रीजन पे पहुंच के. ये तो प्रोकैरियोटिक जीन्स की. नेक्स्ट है यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर. यूकैरियोटिक जीन्स यूकैरियोट्स में बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इसलिए उसकी जीन स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है. उसमें जो एग्जॉन्स होते हैं कोडिंग जो भी कोडिंग सीक्वेंस है इसके अलावा इंट्रॉन्स होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस. प्रोमोटर सीक्वेंस ऐसे ही होता है जैसे जो है प्रोकैरियोट्स में होता है लेकिन इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. इसके अलावा टर्मिनेटर सीक्वेंस भी होता है. इनहांसर या फिर साइलेंसर्स जो है वो होते हैं या रेगुलेटरी सीक्वेंसेस बीच में भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नियर और फार फ्रॉम द जीन. सिग्नल्स जो है वो अपस्ट्रीम सीक्वेंस सिग्नल फॉर एडिशन ऑफ कैप ठीक है. इसके अपस्ट्रीम मतलब 5 एंड पे जो है कैप ऐड होती है और जो है 3 एंड पे जो है वो पॉली ए टेल ऐड की जाती है. जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जब हेटेरोजेनस मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें कैप और टेल ऐड की जाती है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर. जैसे हमने उसमें प्रेबनो बॉक्स पढ़े थे इसमें भी दो बॉक्सेस हैं जो कि एज ए प्रमोटर एलिमेंट्स एक्ट करते हैं. इसमें सी ए टी और टी ए डी ए बॉक्स जो है एज ए प्रेबनो बॉक्स एक्ट कर रहे हैं. इसके साथ इसमें जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन जो है इनिशिएशन साइट होती है. इसके बाद जो है इनिशिएशन कोड होता है ए टी जी. उसके साथ जो है वो जीन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें एग्जॉन्स कोडिंग सीक्वेंस होते हैं और इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं. और एग्जॉन्स और इंट्रॉन्स जो है इसके वेरिएबल नंबर प्रेजेंट होते हैं हर जीन में और ये डिपेंड करता है इसके कितने ये पार्ट्स के कितने नंबर्स में प्रेजेंट होंगे. डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ जीन कि वो कितनी कॉम्प्लेक्स है. और थ्री स्कैन पे जो है ट्रांसलेशन या टर्मिनेशन कोड बनाते हैं PAA और उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसएमिनेशन जो है उसका प्रोसेस जो है वो आ जाता है.
The gene is the sequence of chromosomal DNA that is required for the production of functional products. ठीक है, कि मतलब जीन से आगे उसकी स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए बन गया, फिर मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन आई उसके अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ये जितनी भी चीजें बनेगी उसके लिए जीन के ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जरूरी है। इसके जो हम वन बाय वन पार्ट पढ़ते हैं, एक्सॉन्स के बारे में आप लोगों को पता है क्या होते हैं एक्सॉन्स? आप मुझे बताओगे ये सारी चीजें एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिन्होंने फर्दर आगे मतलब मैसेंजर आरएनए बनाना होता है, आगे उन्होंने प्रोटीन में कन्वर्ट होना होता है। हाँ जी, एक्सॉन्स जो है कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि कोड हो सकते हैं इनटू द मैसेंजर आरएनए। दे कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेट कोडिंग फॉर द अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये जो है वेरी नंबर हो सकते हैं सीक्वेंस एंड हेल्पिंग फ्रॉम वन अनदर। इंट्रॉन्स जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्राइब तो होते हैं लेकिन जो है ट्रांसलेट नहीं होते, प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, ये भी वेरिएबल होते हैं सीक्वेंस में, नंबर में और लेंथ में, और जो है फ्रॉम वन जीन टू अनदर जीन। लेकिन इंट्रॉन्स की एक चीज जो है वो कॉमन होती है कि इसके फाइव एंड पे हमेशा जी टी सीक्वेंस होगा और थ्री एंड पे जो है ए जी सीक्वेंस होता है। इस तरह से इंट्रॉन्स जो है वो रिकग्नाइज कर लिए जाते हैं जीन के अंदर। सो दिस इज द नॉन कोडिंग सीक्वेंस। प्रोमोटर्स उसी तरह से जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में बात किया है कि वो प्रमोट करते हैं या वहां पे जो है एज ए रिकग्निशन साइट एक्ट करते हैं। Sequence of DNA nucleotide upstream of the initial base of transcription control individual gene expression. ठीक है, promoters में आगे two elements हमने पढ़े थे कि TATA उसमें Pribno box जो है TADA एक box होता है और CAAT box होता है, और ये इनकी जो है number of nucleotides variable हो सकते हैं और इनका basically function जो है Yeah, these together with general transcription factors are responsible for binding of the enzyme. कि इनके साथ जो है बाकी ये elements के साथ अटैच होते हैं और फिर जो है हमारा transcription process इसपे अटैच होगा, transcription factors इसपे अटैच होंगे तो फिर जो है जीन की जो है वो transcription start होगी। डाउनस्ट्रीम थ्री एंड पे जो होता है वो ट्रांसलेशन टर्मिनेशन कोडोन होता है TAA। ठीक है, AATAA सीक्वेंस व्हिच इज अ सिग्नल फॉर एडिशन ऑफ पॉली ए टेल। द एडिशन ऑफ पॉली ए टेल मेक्स मैसेंजर आरएनए मोर स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेशन। ये हमने टेल और कैपिंग का प्रोसेस लास्ट में भी पढ़ा था कि कैप और टेल जो है बेसिकली जो है प्रोटेक्ट करती होती है एक्सोन्यूक्लियस से। पोली ए टेल इज नॉट ट्रांसक्राइब फ्रॉम डीएनए। ठीक है, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है तब नहीं बनता, जब हमारे पास सिट्रोजेनियस मैसेंजर आरएनए बनता है तो तब जो है इसमें कैप ऐड की जाती है और टेल ऐड की जाती है। तो ये लेटर फ्रॉम लेटर जो है टाइम पे बनती है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन। अपस्ट्रीम फाइव एंड पे जो है ये हमने कैप ऐड करते हैं। ठीक है, कैप का फंक्शन क्या होता है ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ट्रांसलेशन प्रोसेस को जो है बेसिकली स्टार्ट कराना और सेकेंड मैसेंजर आरएनए को जो है वो प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द एक्सटर्नल एंजाइम्स। एडिशन ऑफ कैप एंड टेल टू प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो हमारे हेटरोजेनियस आरएनए बनता है उसकी प्रोसेसिंग होती है। पहले उसमें कैप और टेल ऐड होती है, फिर उसके सारे जो है इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और फिर वो फाइनल जो है मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा उसके सेकंड एंड पे जो डाउनस्ट्रीम एंड है उसमें टर्मिनेटर रीजन होता है जहाँ पे जो है एक जीन जो है टर्मिनेट उसकी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगी। और डीएनए सीक्वेंस जस्ट डाउनस्ट्रीम ऑफ द कोडिंग सेगमेंट ऑफ अ जीन। ठीक है, कोडिंग सेगमेंट के बाद जो है वो टर्मिनेटर होता है which is recognized by RNA polymerase as a signal enhancer
to stop transcription. A regulatory DNA sequence that greatly enhance the transcription of silencer bhi act karte hai. और ये जीन के जो है इनहांस करते हैं, यहाँ पे स्टॉप हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन. अ डीएनए सीक्वेंस दैट हेल्प टू रिड्यूस और शट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ अ नियर बाय जीन. ठीक है, मतलब जहाँ ट्रांसक्रिप्शन जब कंप्लीट हो जाती है एक जीन की, तो उसके एंड पे जो है टर्मिनेटर रिटर्न होता है जो बेसिकली एज ए साइलेंसर एक्ट करता है, और वहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है वो शट ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है. यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स जो है इनका भी जो है, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर रीजन पढ़ा है, ये भी बिल्कुल वैसे, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. तो इसमें भी गोल्डबर्ग ऑर्गन्स यहाँ पे डीएनए लोकेटेड होते हैं एट द 3-3 रीजन, एडिशनल रीजन एट 100 to 200, पॉसिबल डिस्टेंट रीजन एक्टिंग एज एनहांसर और साइलेंसर्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं लार्जर साइज में. This is a promoter जो है region show किया गया है. ठीक है, promoter region में उसमें TA binding region होता है. इसके बाद जो है जिप्नो boxes हमने कहा है, इसके साथ इसके activator region होता है, enhancer region attach होता है, और ये पूरा मिलकर जो है initiation जो है point जो है वो उसको create करते हैं, enhancers होते हैं इसमें, और यहाँ पे आके जो इसका activate promoter region होता है इस सब को इसके साथ आके जो है आरएनए पॉलीमरेज एक्ट करते हैं, और फिर आरएनए पॉलीमरेज जो है एक्टिवेट होता है, और फिर कोडिंग सीक्वेंस जो है डीएनए का वो इन कन्वर्ट होता है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है टू द मैसेंजर आरएनए, ट्रूजीनियस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए. एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर नंबर्ड इन द 5-3 डायरेक्शन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, मतलब इनके नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इनके नंबर्स जो है वो डिपेंड करेंगे ऑन द ईच ऑफ द जीन. बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए, जिसको हम हिटरोजेनियस न्यूक्लियर मैसेंजर आरएनए भी कह रहे थे, या फिर इसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है. द फर्स्ट एंड द लास्ट एक्सॉन्स यूजुअली कंटेन सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड. ठीक है, उसको हम अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं. जो 5 एंड पे होगा जो ट्रांसलेट नहीं होता उसको 5 अनट्रांसलेटेड रीजन कहते हैं, और जो 3 एंड पे होगा उसको 3 अनट्रांसलेटेड रीजन कहा जाता है. इसके अलावा नॉन कोडिंग सेगमेंट्स जो इंट्रॉन्स होते हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो है रिमूव कर दिए जाते हैं. ठीक है, और एग्जॉन्स जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं. इस प्रोसेस को जिसमें इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं स्प्लाइसिंग का प्रोसेस कहा जाता है. ठीक है, जैसे हम किसी चीज के पीसेस करते हैं, स्प्लाइस करते हैं उसको, इसी तरह से जितने भी जीन के अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन्स उनको रिमूव कर दिया जाता है, और फिर जो एक्सॉन्स जो है एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और फिर जो हमारे पास मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है. स्प्लाइसिंग मस्ट बी वेरी प्रिसाइज वर्ड एंड अनडिजायरेबल चेंज ऑफ द करेक्ट रीडिंग फ्रेम. ठीक है, मतलब ये प्रॉपर होनी चाहिए, ये अगर प्रॉपर नहीं होगी तो जी उसमें जो प्रॉब्लम आ सकता है कि जीन का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग एबनॉर्मल प्रोटीन बन सकती है. इंट्रॉन्स ऑलवेज, हमने ये पहले देखा है कि इंट्रॉन्स जो है हमेशा उनमें स्टार्ट में और एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसमें 5 एंड पे GT रीजन होता है और 3 एंड पे AG रीजन होता है. इस तरह से इंट्रॉन्स इजीली जो है वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं और उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है. इसे जो 5 एंड पे इंट्रॉन बिगनिंग विद GT उसको जो है सप्लाइज डोनर साइट कहते हैं, और 3 एंड पे जो है AG वो है सप्लाइज एक्सेप्टर साइट होती है. मैच्योर मैसेंजर आरएनए इज मॉडिफाइड एट द 5 एंड ऑफ बाय एडिशन ऑफ स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर कैप. ठीक है, मतलब जब हमारे पास हिटरोजीनियस आता है मैसेंजर आरएनए तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है. प्रोसेसिंग में उसकी जो है पहले तो ट्रिमिंग होती है, ट्रिमिंग में जो हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन होता है उसको रिमूव करते हैं, उसके बाद कैप और ऐड होती है, उसके बाद उसमें 3 एंड पे पोली ए टेल ऐड की जाती है, और उसके बाद जो है स्प्लाइसिंग का प्रोसेस होता है. तो ये सारे जो है ये मैसेंजर आरएनए मॉडिफिकेशन जो है मॉडिफिकेशन है ये प्रोसेसिंग है.
ये डीएनए ऊपर शो किया गया, जीन को शो किया गया स्ट्रक्चर, ठीक है, जीन के फाइव एंड पे जो हमने बात की थी, एक अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, उसके बाद एग्जॉन इंट्रॉन जो है वो होते हैं, और एग्जॉन इंट्रॉन नंबर जो है वेरिएबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जीन, और इंट्रॉन हमेशा जीटी से शुरू होता है और एजी पे जो है एंड होता है, और थ्री एंड पे जो है टर्मिनेटेड रीजन होता है और थ्री अनट्रांसलेटेड रीजन होता है। उसके बाद उससे आरएनए बनता है, आरएनए में जो है वो कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों तरह के हो सकते हैं, और फिर जो है वो आरएनए उसमें कैप ऐड की जाती है और टेल ऐड की जाती है, और इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। आरएनए मॉडिफिकेशन ये वही शो की गई है कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, जब हमारी डीएनए से जीन एक्सप्रेस होती है वो हेटेरोजीनियस मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आती है, तो उसमें सबसे पहले ट्रिमिंग होती है, ट्रिमिंग में हम रिमूविंग फाइव अनट्रांसलेटेड रीजन और थ्री अनट्रांसलेटेड रीजन, उसके बाद कैपिंग होती है, कैप ऐड की जाती है फाइव एंड पे, टेल ऐड की जाती है थ्री एंड पे, उसके अलावा स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग मतलब जो हमने देखा है कि इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं और एग्जॉन्स जो है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल या मैच्योर आरएनए जो है बन जाएगा। ये मैच्योर आरएनए जो है राइबोसोम तक जाएगा, वहां में मैसेज देगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए जितने भी अमीनो एसिड चाहिए इस प्रोटीन के लिए वो राइबोसोम तक लेके आएगा, और प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। This is the same sequence, उसको शो किया गया है कि क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब न्यूक्लियस में जो जीन थी वो थ्री मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुई, वहां पे फिर उसकी ट्रिमिंग हुई, अनट्रांसलेटेड रीजन रिमूव हुए, फिर कैप ऐड हुई, फिर टेल ऐड हुई, फिर जो है इंट्रॉन्स जितने थे वो रिमूव हो गए, एग्जॉन्स एक दूसरे से अटैच हो गए, और ये जो है हमारे पास मैच्योर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो गया। फिर मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है राइबोसोम तक, और राइबोसोम में जो है ये प्रोटीन बनना शुरू होता है। स्प्लाइस साइट्स जो है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जो है वो सिर्फ यूकेरियोट्स में, क्योंकि यूकेरियोट्स में इंट्रॉन्स हैं, प्रोकेरियोट्स में हमने क्या कहा था कि इंट्रॉन्स नहीं होते, तो स्प्लाइसिंग साइट्स जो है ऑब्वियसली यूकेरियोट्स नहीं होंगे। रिमूविंग इंटरनल पार्ट ऑफ द न्यूली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए takes place in the cell nucleus. ये process जो है cell nucleus में ही होते हैं, heterogeneous nuclear RNA के जो है starting या internal parts जो introns remove किया जाते हैं वो इस step में remove होते हैं। Next जो है वो ये तो gene expression की बात हो गई, next gene code, genetic code, ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए बना उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें हमने देखा था कि वो कोडोन की फॉर्म में आती है, और एक कोडोन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए रिक्वायर होता है, या एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स की भी जरूरत होती है। तो मैसेंजर आरएनए पे जिस फॉर्म में मैसेज आता है वो कोडोन की फॉर्म में होता है। द जेनेटिक कोड इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय लिविंग सेल्स टू ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन encoded within genetic material into the proteins. ठीक है, जो भी information हमारी genes में आई है, inheritance में आई है, तो ये जो है messenger RNA पे आएगी in the form of genetic code. या आपने चीजें पढ़ी हुई है कि triplet code होता है, ठीक है, triplet code बनता है जिसको हम codon कहते हैं, और इसमें के अलावा इसमें कुछ stop codons होते हैं, start codons होते हैं। So the DNA has a triplet code using only the four nucleotides, both adenine, cytosine, guanine, and thymine. Only three nucleotides form a triplet, which when in a gene codes for a part of a protein. Part the code is degenerate. The code is degenerate. The amino acid may be specified by more than one code. ठीक है, मतलब कुछ amino acids के लिए more than one codon जो है वो जरूरी होता है। Methionine and tryptophan each is specified by single codon. कुछ amino acids जो हैं example उन्होंने दे दिए हैं उनके लिए single codon ही जरूरी होता है। The region are three stop codons which are signal for translating termination. ठीक है, कुछ जो है इन codons में से जो है वो stop codon होते हैं। The genetic code is universal, small in all organisms with exception in mitochondria. ठीक है, तो जो जेनेटिक कोड जो होता है वो
यूनिवर्सल होता है, सब में जो है एक ही तरह से कोड जो है वो कोड किया जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। ये वही प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से जीन जो है एक्सप्रेस होती है और प्रोटीन में कन्वर्ट होती है। सबसे ऊपर जो है जीन इन डीएनए, ठीक है, डीएनए के फॉर्म में जो जीन शो होती है जो उसमें प्रॉपर सीक्वेंस होता है कोडिंग सीक्वेंस, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉपी होती है इन टू द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए और कोडोन के फॉर्म में होती है। कोडोन क्या होते हैं, थ्री जो न्यूक्लियोटाइड का जो है वो मिलके एक कोडोन बनाते हैं, एक कोड बनाते हैं। फिर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए की, ये हमने क्या कहा था कि ट्रांसफर आरएनए पे एंटीकोडोन में जो है वो कॉपी की जाती है। एंटीकोडोन जो होते हैं वो ऑपोजिट या कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है टू द मैसेंजर आरएनए। ये ट्रांसफर आरएनए जो है जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आई है बाय द मैसेंजर आरएनए, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लेके आएगा टू द राइबोसोम और राइबोसोम उन अमाइनो एसिड को अटैच करके जो हमारी स्पेसिफिक प्रोटीन बनने के लिए मैसेज आया था फ्रॉम द जीन वो हमारी प्रोटीन जो है बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज द जीन एक्सप्रेशन, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वेज ऑफ स्टेप्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे लास्ट स्लाइड में ट्रिप्टोफैन और मेथियोनीन वाला पॉइंट था वो दोबारा रिपीट कर दें। बेटा इसमें मैंने बात की थी कि कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं उनको जो करने के लिए एक से ज्यादा कोडोन्स की जरूरत होती है, ठीक है, और कुछ yes, जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके सिग्नल के लिए एक कोडोन ही काफी होता है। इसकी एग्जांपल थी मेथियोनीन एंड ट्रिप्टोफैन, जिनको एक कोडोन होगा तो वो जो है कोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर है, इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछ लो। मैम बहुत इजी लेक्चर है, इजी था तो इसको अच्छे से पढ़ भी लेना ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैंने आप जो है यही चीजें कि आप लोगों के ईद के बाद असेसमेंट जो है वो वन बाय वन स्टार्ट होगी हो जाएगी और आपके जो है मई में जो है एंड ऑफ द मई आप लोगों के मिड टर्म्स भी आ जाने, तो अपनी जो जो आप लोग लेक्चर्स पढ़ रहे हो उसको साथ साथ कवर करते जाओ, ठीक है। यस मैम। Okay, मैम से क्विज का आप कितना सिलेबस देंगे, कितने लेक्चर्स होंगे? क्विज जो है हम उस फिर कर लेंगे फाइनल, ऑब्वियसली उसमें 5-6-7 लेक्चर्स जो है वो रखेंगे ऐड ताकि फिर वो आप लोगों की तैयारी भी हो जाए आप लोगों के मिड टर्म की भी। ओके मैम, वो मैं इंशाल्लाह जो है अभी के बाद हम आते हैं तो आपकी जो है वो असेसमेंट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। वैसे इसमें से छोटा होगा ना क्योंकि टाइम वैसे भी कम है। नहीं नहीं जितना आपका रेगुलर सेमेस्टर होता है उसी तरह से होगा, टाइम कैसे शॉर्ट हुआ, टाइम लेट स्टार्ट हुआ था, एक वीक स्टार्ट लेट स्टार्ट हुआ है, हमारा लास्ट सेमेस्टर भी वन वीक लेट स्टार्ट हुआ था, इसमें आपके सारे जो है एक वीक लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टाइम शॉर्ट नहीं है, आप ऑब्वियसली एंड पे जो है एक वीक आगे चला जाएगा, लेकिन इसमें जो डेट्स शो हो रही है ना आपके असेसमेंट प्लान अगर किसी ने शेयर किया है जो डेट्स शो हो रही है मिड टर्म की और जो है उसके बाद वाइवास की और फिर फाइनल की, तो वो उसी में होगी, उसी डेट्स में जो है आपको आपका जो है एकेडमिक कैलेंडर फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ओके मैम, तो आप लोग अपनी तैयारी रखो, अपने एकेडमिक कैलेंडर को देखते रहो कि आपके मिड टर्म्स कब होने हैं, आपकी बाकी वाइवास और जो है वो कब कब होने, ताकि आप लोगों की इंटीमेशन हो कि आपने कब तक जो है अपना सिलेबस जो है वो कवर करने का। अजी बच्चों कोई क्वेश्चन है? नो मैम, नो मैम। अच्छा जिन बाकी जिन बच्चों का वही इशू आ रहा है कि जी हमें शो नहीं हो रहा जी और कुछ शो हो रहा है, हम पोर्टल पे और हैं और एलएमएस पे नहीं शो हो रहा है, तो आज आपकी लिस्ट अपडेट कर दूंगी मैं। आज के बाद अगर किसी का इशू हुआ तो वो मुझे काइंडली ईमेल कर देना ताकि उसके इशू को भी रिजॉल्व करें, क्योंकि बाद में जो है अगर आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगी तो आपकी उसको अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग ही होगी, तो इसलिए सबका इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए।
और कुछ चार बच्चे ऐसे थे जिनका इशू वो अभी उनको पोर्टल पे बी सेक्शन ही शो हो रहा है. आप में कोई ऐसा बच्चा है उसको पोर्टल पे बी सेक्शन शो हो रहा है? अच्छा, उन चारों को मैं पोर्टल पे देखूँ, उनसे कांटेक्ट भी करूंगी. अगर कोई ऐसा बच्चा आपके तो में है जिसको पोर्टल से बी सेक्शन शो हो रहा है, क्योंकि बी सेक्शन तो अब रहा ही नहीं, तो अगर उसको पोर्टल पे बी सेक्शन शो हो रहा है तो वो इस वजह से है. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम. हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कि जो अगर किसी बच्चे को पोर्टल पे बी सेक्शन शो हो रहा है तो काइंडली अपने आंट से कॉन्टेक्ट करे, क्योंकि उनका जो है सेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनका कोई क्लैश था जिसकी वजह से वो किसी भी सेक्शन में मूव नहीं हुए. तो वो अफनान से कांटेक्ट करेंगे, अफनान आपका जो भी क्लैश होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिजॉल्व करके तो आपको किसी सेक्शन में ऐड करेंगे. तो उन चार बच्चों से मैं खुद भी जो है कॉन्टेक्ट कर लूंगी. अगर किस वो उनको खुद पता है कि उनको बी सेक्शन शो हो रहा है तो वो काइंडली अफनान से कॉन्टेक्ट करें, उसको आप जाके फिजिकली मिल लो ताकि जो जल्दी रिजॉल्व कर दे, या ईमेल पे कांटेक्ट करो किसी भी तरह से. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, मुझे पोर्टल पे तो सी सेक्शन शो हो रहा है, लेकिन ये एलएमएस के ऊपर इनरोल जो है वो मैम मदीहा बी सेक्शन में है. आपको पोर्टल पे कौन सा शो हो रहा है मैम? सी पोर्टल पे अगर सेक्शन चेंज हो गया ना तो फिर ठीक है, वो आपकी लिस्ट एलएमएस अपडेट हो जाएगी. लेकिन जिन चार बच्चे ऐसे थे उनका नेम मुझे याद नहीं है, उनको पोर्टल पे ही बी सेक्शन शो हो रहा है, तो उन बच्चों का इशू है. स्टडी मटेरियल भी नहीं ना मिल रहा, मतलब कोई लेक्चर या कोई बेटा, वो इसी वजह से है ना, आपकी आज लिस्ट अपडेट होगी ना तो आपको उसके अकॉर्डिंग शो हो जाएगा आपका सेक्शन. ठीक है मैम, थैंक यू. ओके. हाँ जी, कोई और इशू है, किसी कोई और कंसर्न है? अच्छा, एक और इशू मुझे था आप लोगों से. आप लोगों में लास्ट मैंने अटेंडेंस आपके देखी थी, आप लोगों की जब मैंने रिपोर्ट निकाली तो उसमें कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक एक मिनट पे ली हुई थी, एक मिनट के लिए अटेंड की हुई थी अपनी क्लास, या दो मिनट के लिए की हुई थी, और कुछ थे जो तीन या चार मिनट पे थे, उन सबके मैंने एब्सेंट मार्क की थी. ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि अगर कोई 10 मिनट से कम टाइम के लिए क्लास में होगा तो मतलब ऑब्वियसली दे ही आर शी विल बी एब्सेंट इन दिस क्लास. तो आप लोग अगर कुछ ऐसी दो नंबरियां कर रहे हो कि जी हम एक वो एक मिनट के लिए आ जाएंगे तो हमारी अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. आप लोगों का टाइम प्रॉपर शो होता है और वो सारी रिपोर्ट आ जाती है कि आपने कितने टाइम के लिए अपनी मीटिंग जो है अटेंड की है, अपना लेक्चर लिया है. तो किसी का भी अगर 10 मिनट से कम होगा तो मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी. और लास्ट मैंने लेक्चर में कुछ एब्सेंट मार्क की है, अगर आपको लग रहा है कि जी आपने लिया था और आपके एब्सेंट मार्क हुई है तो दैट इज अ रीजन कि आपका जो टाइम था वो एक मिनट था या दो मिनट था या इससे कोई तीन चार मिनट तक गया हुआ था. तो ऐसे जितने भी केसेस होंगे मैं उसकी एब्सेंट मार्क करूंगी. मैं आप लोगों को ये लास्ट वार्निंग कर रही हूँ, और अगर आप लोगों ने ऐसे ही कंटिन्यू रखा तो ऑब्वियसली आप लोगों की एब्सेंट मार्क होती जाएगी. एक्सक्यूज मी मैम, मेरी लास्ट क्लास की एब्सेंट लगी हुई है लेकिन मेरा सेक्शन स्वैप हुआ था. सेक्शन जो है ऑब्वियसली उनका जो इशू हुआ आज उसके सेक्शन को इशू रिजॉल्व होता है तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग अपने सेक्शन में ही क्लास लेंगे तो ही उनकी अटेंडेंस मार्क्स हुआ करेगी ऑब्वियसली. तो अब उनका तो कुछ नहीं ऐसा हो सकता, आप लोग अपने सेक्शन में क्लास हो गए तो सेक्शन के अकॉर्डिंग ही अटेंडेंस जो है मार्क हुआ करेगी. चले ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, अच्छे से रमजान गुजार के का 10 last 10 days रह गए हैं, अच्छे से इबादत करके और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना. ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम. ओके मैम, अल्लाह हाफिज.